खबर पन्ना से है, जहां 26 अगस्त को लोकायुक्त टीम ने पवई के पटवारी राजेंद्र सोनी पर रिश्वतखोरी के आरोप में कार्रवाई की थी। पटवारी पर 25,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगा था, लेकिन इसके विरोध में क्षेत्र के सैकड़ों किसान नारेबाजी करते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे और लोकायुक्त की कार्रवाई को गलत ठहराते हुए कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि पटवारी राजेंद्र सोनी ईमानदार कर्मचारी हैं, उन्हें रंजिश के चलते झूठे प्रकरण में फंसाया गया है। किसानों ने ज्ञापन के माध्यम से जांच के बाद पटवारी के खिलाफ हुई कार्रवाई को निरस्त करने की मांग की है। तारीख को ये घटना हुई है और जिन लोगों ने घटना करके साजिश रच के घटना की गई है, उनके व्यक्तिगत स्वार्थ पूरे न होने से और शासकीय जमीन को अधिग्रहण करने की चेष्टा की गई, इंक्रोचमेंट अतिक्रमण रखने की मंशा से ये घटना उन्होंने पटवारी जी ने नहीं होने दिया, तहसीलदार ने नहीं होने दिया, उन्होंने साजिश रची और ये रुपया जबरदस्ती लोकायुक्त से बात करके ये उसकी जेब में जबरदस्ती ठूसा गया राजेंद्र सोनी की दृष्टि से। उनको पूरा का पूरा 100% फंसाने का ये काम लोगों ने जो किया है, जो घृणितकार है। ऐसे अच्छे पटवारियों को, अच्छे कर्मचारियों को जो किसान के हित में जो काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, और ऐसे ईमानदार पटवारियों को फंसाने का एक बड़ा भारी आरोप है, षड्यंत्र है। तो हमने जो ज्ञापन में लिखा हुआ है के साथ जो इसकी पुनः जांच की जाए और जांच करवा के उसको निलंबित जो कर दिया किया है उसको बहाल किया जाए, उसको क्षेत्र में काम करने दिया जाए। और ऐसे ईमानदार किसान के हित में पटवारी राजेंद्र सोनी जी हैं। हमारे जीवन में शिक्षा का और शिक्षक का क्या महत्व होता है हम सभी जानते हैं। हमारे बीच में जो गुप्ता जी हैं, हाल ही में रिटायरमेंट लिया है, उन्होंने रिटायर हुए हैं, तो आज शिक्षक दिवस पर हमने एक सम्मान करके संदेश दिया कि गुरु कितना आवश्यक है और जीवन में कितना महत्व रखता है। जो 26